याद कीजिएगा कि पिछली बार आपने कब पूजा किया था, क्योंकि अक्सर अक्सर हम जब पूजा में जाते हैं या किसी रिचुअल्स में जाते हैं, या तो हमें कुछ चाहिए होता है तो हम कुछ अपनी डिमांड उनके सामने रख देते हैं, या कोई डिमांड पूरी हो जाती है तो उसके लिए थैंक्स बोलने चले जाते हैं और फिर एक नई एप्लीकेशन लगा देते हैं कि अब ये भी कर दीजिएगा हमारे लिए। सो आज हम जब यहाँ पूजा में बैठे हैं तो हम सब लोगों को किस भाव से बैठना है? सिर्फ इस भाव से कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ तुमने मुझे दिया है मैं उसमें खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। कर सकते हैं आज ऐसा हम लोग? यस नो? बस मैं तुम्हारे साथ हूँ सिर्फ इस वजह से क्योंकि तुम मुझे प्यार करते हो और मैं भी तुम्हें प्यार करता हूँ। मैं ईश्वर मेरे हैं, मैं ईश्वर का हूँ और मुझे उनसे कुछ नहीं चाहिए। एक बार इस भाव के साथ बैठकर हम पूजा को महसूस करते हैं और आप, मेरा विश्वास है कि आप पाएंगे कि बहुत कुछ भीतर घट जाता है। तो आज हम दो पूजा करने वाले हैं। पहले हम गुरु पूजा करेंगे और उसके बाद हम रुद्र पूजा करेंगे। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स ज्वाइन नहीं किया है अभी या सुदर्शन क्रिया नहीं सीखे हैं? बहुत सारे लोग हैं। तो गुरु का मतलब ये नहीं जानिएगा कि हम श्री श्री रविशंकर जी की पूजा कर रहे हैं। अब से पहले इस जमीन पे कई एनलाइटन मास्टर्स आए थे जिन्होंने हमारे पूर्वजों को गाइड किया था। अभी भी बहुत सारे एनलाइटन मास्टर्स यहाँ पर जमीन पे मौजूद हैं जो हमें अलग अलग ढंग से गाइड कर रहे हैं, और अभी हम जब यहाँ से चले जाएंगे तब भी बहुत सारे गुरु इस जमीन पे आने वाले हैं। यस नो? तो ये जो गुरु पूजा है ये उन तमाम गुरुओं के लिए एक कृतज्ञता का भाव है कि आपने हमारे एंसेस्टर्स को गाइड किया, आप हमें गाइड कर रहे हैं और आप हमारी कई आने वाली जनरेशन्स को गाइड करते रहेंगे, इसके लिए आपका धन्यवाद। तो हो सकता है कि आप में से बहुत लोग ऐसे हैं जिनके अपने कोई गुरु हो सकते हैं, जिनमें आपका विश्वास है, जिनको आप मानते हैं, आप उनको याद करके बैठिए। क्योंकि हम जिस परंपरा को ये बॉ डाउन कर रहे हैं, कृतज्ञ कर रहे हैं, ये वो है जो एक एक बहुत पुरानी परंपरा है गुरुओं की। एक नदी बह रही है, उस नदी में कई लोगों ने स्नान किया है, अपने आप को पवित्र किया है। तो वो जो गुरु परंपरा है उसके प्रति हम अपनी कृतज्ञता व्यक्त कर रहे हैं। उसके बाद हम रुद्र पूजा करेंगे। भीतर कोई नेगेटिविटीज हैं हमारे, आसपास कोई नेगेटिविटीज हैं हमारे, किसी भी तरह से मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, प्रोफेशन में, तो तमाम तरह की नेगेटिविटीज को दूर करने के लिए रुद्र पूजा का एक विधान है। बस मैं इतना कहूँगा कि तीन भाग में हम लोग पूजा करेंगे रुद्र पूजा। एक है पूर्व पूजा जिसमें हम देवताओं का आह्वान करेंगे। आज हम गणपति जी, दुर्गे माँ, शिव, सूर्य और विष्णु देव का आह्वान करेंगे यहाँ पर। उनको हम सीट ऑफर करेंगे, उनको पूरे भाव से यहाँ पर हम उनको कहेंगे कि आप यहाँ आइए, हमें ब्लेस कीजिए। तो ये पूर्व पूजा जो है ये आप आँख खोलकर देख सकते हैं। उसके बाद हमारे सारे पंडित जी और आचार्य जी यहाँ पे मौजूद हैं, वो रुद्रम पाठ करेंगे। उस वक्त एक हमारे पास बहुत अच्छा मौका है जब हम आँखें बंद करके उस दिव्यता को महसूस कर सकते हैं, उस ईश्वरत्व को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं, उस डिविनिटी को हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं। और उसके बाद उत्तर पूजा होगा। उत्तर पूजा में हम देवताओं को, जैसे हम गेस्ट को इनवाइट करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको कुछ स्नैक्स ऑफर करते हैं, वैसे ही हम देवताओं को नैवेद्य वगैरह ऑफर करेंगे, उनके साथ कुछ देर सेलिब्रेट करेंगे, आरती करेंगे। तो पूर्व पूजा, उत्तर पूजा आप आंखें खोलकर देख सकते हैं। जब अभिषेक शुरू होगा तो आप भी अपना, इसको कहते हैं मंत्र स्नान करना, आंखें बंद करके ऐसा महसूस करना कि मैं उस दिव्यता में नहा रहा हूँ, मैं उस दिव्यता में, ये अभिषेक यहाँ नहीं चल रहा, ये अभिषेक प्रकृति मेरा अभिषेक कर रही है, ये प्रकृति के साथ में एक रूप हो गया हूँ। इस तरह से हम करेंगे। रुद्रा, बहुत कुछ बताने को है, समय की अपनी एक वो है, बस इतना ही जानिएगा कि एक बहुत सौभाग्य से अवसर मिला है हम लोगों को कि हम अगले कुछ पल या अगले कुछ मिनट्स में या अगले एक घंटे में हम पूरी तरह से दिव्यता के साथ होंगे। हम लोग तीन बार ओम का उच्चारण करते हैं, उसके बाद गुरु पूजा करेंगे और फिर हम रुद्र पूजा करेंगे।
आपके पास हैं और आप उन्हें साइलेंट मोड में कर सकें तो बहुत अच्छा है, स्विच ऑफ कर सकें तो बहुत ही अच्छा है। फिर पूजा के बाद हमारे साथ, हमारी पूरी नागपुर की, हमारे सत्संग के सभी सिंगर्स मौजूद हैं यहाँ पे, आप उनके लिए ताली बजाएं सबके लिए। मैं बहुत जगह जाता हूँ और हमेशा ही कहता हूँ कि नागपुर का सत्संग बहुत 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 अच्छे हैं, यहाँ पे जो सिंगर्स हैं बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छा गाते हैं सब लोग, है ना। ओमकार का उच्चारण करते हैं, श्वास लीजिए। श्वास ले, श्वास ले, सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मच्छ्री गुरुपर्यंतां वंदे गुरुपरंपरा। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थान गतोऽपि वा यस्मरेत पुंडरीकाक्षं सभायाभ्यंतरशुचिः आवाहनं नारायणं पद्मभवं वशिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगेन्द्र मथा शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं संततमानतोऽस्मि। श्रुति स्मृति पुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। यद्वारे निखिलानिलिम्प परिषद् सिद्धिं विदत्ते निशं श्रीमच्छ्रीलसितं जगद्गुरुपदं नत्वात्मतृप्तिं गताः लोकाज्ञानपयोदपाटनधुरं श्रीशंकरं शर्मदं ब्रह्मानंदसरस्वतीं गुरुवरं ध्यायामि ज्योतिर्मयं। आवाहनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। आसनं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः। स्नानं समर्पयामि श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
वस्त्रं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। चंदनं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अक्षतां समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। धूपं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। दीपं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। नैवेद्यं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। तांबूलं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीफलं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आरतिक्यं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। आरतिक्यं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। आचमनीयं समर्पयामि श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। पुष्पांजलिं गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं विश्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणसहितं सद्गुरुं त्वं नमामि। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्री श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः।
लेते हैं, संकल्प लेते हैं। अक्षत और पुष्प है हम सबके पास, कितने लोगों के पास है अक्षत पुष्प, हाथ खड़ा करके बताइए। ठीक है, तो मैंने अभी कहा कि जब तक मन में कोई इच्छा है तब तक पूजा नहीं हो सकती, तो फिर ह्यूमन माइंड है इसमें तो इच्छाएं बनी रहेंगी कुछ ना कुछ। तो फिर संकल्प का एक प्रावधान आया कि जो भी मन में इच्छाएं हैं, जो आपको चाहिए मन में, उसको जो मन में उसके बारे में सोच कर ईश्वर को समर्पण कर देते हैं। और ये संकल्प यदि आप सुनेंगे आचार्य जी के मुंह, तो आप पाएंगे कि एक ह्यूमन माइंड जो कुछ सोच सकता है जीवन में कि उसको ये सब चाहिए, उतना सब कुछ इसमें शामिल किया हुआ है। तो आपका कुछ छूट भी जाएगा कि मेरे को ये बात याद नहीं आई, तो चिंता मत करना, पंडित जी ऐसे कहेंगे वो उसमें शामिल हो जाएगी। बस आप एक छोड़ने का भाव रखना कि हाँ मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। एक ही समर्पण जो है यही एक संकल्प का पार्ट भी है। संकल्प तभी पूरा हो सकता है जब हम उसको समर्पण कर दें ईश्वर को। तो जो अक्षत और पुष्प आपके पास हैं उसको आप अपने लेफ्ट हैंड में रखिए उसको, राइट हैंड से उसको कवर कीजिए और उसको राइट थाई के ऊपर रखिए, राइट घुटने पे, जांगा पे, थाई पे रख दीजिए उसको, है ना। अद संकल्पः तिथर विष्णुस्तथा वारो नक्षत्रं विष्णुरेव च योगश्च करणं जैव सर्वं विष्णुमजं जगत अद्य पूर्वोच्चारित वर्तमान एवं गुण विशेषं वृट्टाराम पुण्याराम पुण्यकाले महापुण्यजपतिथौ यजमानस्य गोत्रोच्चारः। सब्जन जो संकल्प ले रहे अपने अपने गोत्र का उच्चार करना है। काश्यप गोत्रोद्भवस्य अत्रि गोत्रोद्भवस्य, अपना नक्षत्र और राशि का उच्चार करना है। शुभ नक्षत्र शुभ राशौ जातस्य जाताजाः, अपने अपने नाम का उच्चार करना है। यजमान यजमान्याजाः, और अभी जो मैं बोलूँगा मेरे पर आपको दोहराना है वो। अस्माकम् माकम् सहकुटुम्भानाम् सहकुटुम्भानाम् सहपरिवाराणाम् सहपरिवाराणाम् क्षेमस्थैर्य क्षेमस्थैर्य आयुरारोग्य आयुरारोग्य ऐश्वर्य ऐश्वर्य अभिवृद्ध्यर्थम् अभिवृद्ध्यर्थम् शान्त्यर्थम् शान्त्यर्थम् पुष्ट्यर्थम् पुष्ट्यर्थम् तुष्ट्यर्थम् तुष्ट्यर्थम् समस्त समस्त मंगल मंगल अवाप्ति अवाप्ति अर्थम् अर्थम् समस्त समस्त अभ्युदय अभ्युदय अर्थञ्च अर्थञ्च आधिदैविक आधिदैविक आधिभौतिक आधिभौतिक आध्यात्मिक आध्यात्मिक त्रिविध त्रिविध उत्पात उत्पात शमनार्थम् शमनार्थम् मम मम शरीरे शरीरे कफ कफ वात वात पित्त पित्त त्रिदोष त्रिदोष अन्यतम अन्यतम प्रकोप प्रकोप उद्भूत उद्भूत स्वरादि स्वरादि विविध विविध व्याधे व्याधे जीवच्छरीर जीवच्छरीर अविरोधेन अविरोधेन समूल समूल निवृत्ति निवृत्ति क्षिप्र क्षिप्र आयुः आयुः आरोग्यता आरोग्यता सिद्ध्यर्थम् सिद्ध्यर्थम् मम मम जन्मकुण्डल्यां जन्मकुण्डल्यां राशिकुण्डल्यां राशिकुण्डल्यां गोचरेण गोचरेण आदित्यादि आदित्यादि नवानां नवानां ग्रहाणां ग्रहाणां अनुकूल्यता अनुकूल्यता प्राप्त्यर्थम् प्राप्त्यर्थम् एकादश एकादश स्थान स्थान
स्थितवत शुभफल प्राप्त्यरथम प्राप्त्यरथम अप्राप्तलक्ष्मी प्राप्त्यरथम प्राप्त्यरथम प्राप्तलक्ष्मी प्राप्तलक्ष्मी चिरकाल चिरकाल संरक्षणार्थम संरक्षणार्थम धर्म धर्म अर्थ अर्थ काम काम मोक्ष मोक्ष चतुर्विध चतुर्विध पुरुषार्थ पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम सिद्ध्यर्थम श्रावणमास श्रावणमास पर्वणि पर्वणि निमित्तम निमित्तम भवानी शंकर भवानी शंकर सांब सदाशिव सांब सदाशिव देवता देवता प्रीत्यर्थम प्रीत्यर्थम आचार्य आचार्य ब्राह्मण ब्राह्मण मुखेन मुखेन पंचामृत पंचामृत अभिषेक अभिषेक पूर्वकम पूर्वकम यावच्छक्ति यावच्छक्ति ध्यान ध्यान आवाहनादि आवाहनादि षोडश षोडश उपचार उपचार प्रदोष प्रदोष काल काल पूजन पूजन अहम अहम करिष्ये करिष्ये। अभी आपके मन में जो भी कुछ इच्छा है वो मन में बोलना है और सब छोड़ देना है। अधघण्टार्चनं नादशब्दमतीं घण्टां सर्वविघ्नापहारिणीं कूजले शस्त्रमन्त्रेण देवस्य प्रीतिकारणात् आगमार्थं तु देवानां गमनार्थं तु रक्षताम् आदौ घण्टारं नित्यं देवता पाललाञ्छनम् अथ भोषद्भिः विष्णुशक्तिसमत्पन्ने रङ्गवर्णे परीतले अनेकरत्नसम्पन्ने भूमिदेवि नमोऽस्तु ते। अथ आसन शुद्धि पृथ्वी त्वयादृता लोका देवित्वं विष्णुनादृता कञ्चधारयमान् देवी पवित्रं वरुचासनम् तीक्ष्णदंष्ट्रमहाकाय कल्पान्तदानोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं मनद्यान् दातुमर्हसि समवेष्टैक सन्तश्च कपिलो विलकर्णकः लम्बोदरश्च विकरो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पणे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सर्वकार्येषु विघ्नस्तः स न जायते शुक्लाम् भरतरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये तदेव रत्नम् मृदनन्ददेव तारावलम् चन्द्रबलन्दरेव विद्याबलन्दैव बलन्दरेव लक्ष्मीपदे देवम् स्मरामि। ॐ श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्याम् नमः। ॐ श्रीमहामहेश्वराभ्याम् नमः। ॐ श्रीवाणीहिरण्यगर्भाभ्याम् नमः। ॐ श्री सीतारामाभ्याम् नमः। ॐ श्री शचीवरन्दराभ्याम् नमः। ॐ श्री अरुन्धतीवशिष्टाभ्याम् नमः। ॐ दुर्गायै नमः। ॐ गणपतये नमः। ॐ क्षेत्रपालाय नमः। ॐ वास्तुपुरुषाय नमः। ॐ मातृभ्यो नमः। ॐ पितृभ्यो नमः। ॐ गुरुभ्यो नमः। ॐ आचार्येभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ कुलदेवताभ्यो नमः। ॐ ग्रामादिदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सर्वाभ्यो देवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। श्रीमद्भगवद्बौधायनाचार्येभ्यो नमः। प्रारम्भकालस्य मुहूर्तमस्तु जिभवन्तो प्रबन्धो प्रारम्भकालस्य मुहूर्तमस्तु प्राणायाम्य। सब जन नाडी शोधन प्राणायाम करेंगे। ओम भूः ओम भुवः ओगुं शिवः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओगुं सत्यम्। आभो ज्योतिर सोमृतं ब्रह्मभवस्वरो। अदङ्गल्पः विष्णाः विष्णाः विष्णाराध्यया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीयवरार्थे श्रीहरे श्वेतवराहकल्पे
वैवस्वतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे जम्बोद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे महामेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्रीमद्गोदावर्याः उत्तरे तीरे रेवाजाः दक्षिणे तीरे बौद्धावतारे श्रीरामक्षेत्रे विदर्भक्षेत्रे नागपुरनगर्याम् अस्मिन् वर्तमानकालव्यवहारिके प्रभवादिशक्तिसंवत्सराणाम् मध्ये क्रोधनाम संवत्सरे दक्षिणाजने वर्षा ऋतौ श्रावणमासे कृष्णपक्षे अद्य सप्तम्याम् तिथौ अद्य वासरः वारदस्तु अद्य भानुवासरयुक्तायाम् भरणीदिवसनक्षत्रयुक्तायाम् शुभयोगे शुभकरणे एवं गुणविशेषनविदिष्टायाम् अद्य पुण्यायाम् पुण्यकाले महापुण्यशुभतिथौ अत्रिगात्रोद्भवस्य आद्रा नक्षत्रे मिथुनाशौजातस्य श्री श्री गुरूणाम् प्रतिनिधिभूतोऽहम् श्रीवेदविज्ञानमहाविद्यापीठे विराजमानानाम् श्रीगुरूणाम् तथा आश्रमे आगामितानाम् सर्वेषाम् भक्तजनानाम् क्षेमस्थैर्य वीर्यविजय आयुष्य आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्ध्यर्थम् देशविदेशेषु सनातनधर्मप्रचारकार्येषु यशोलाभप्राप्त्यर्थम् अलक्ष्मीनिवारार्थम् अष्टलक्ष्मीसैरासिद्ध्यर्थम् ये ग्रहाः हरितस्थानस्थिताः तेषाम् ग्रहाणाम् शुभ एकादशस्थानभ्रापाप्त्यर्थम् श्रीसूर्यगणपत्यम्बिकादेवविष्णुरेवताप्रीत्यर्थम् पञ्चामृताभिषेकरुद्राभिषेकपूर्वकम् यावच्छक्तिः ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजाराधनम् च करिष्ये आदौ निरक्तरासिद्ध्यर्थम् महागणपतिस्मरणम् च करिष्ये ॐ गणानानन्दागणदयम् महामहे कविम् कवीनाम मम श्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पदान शृण्वन्नादविश्वेदलादनम् वक्रदण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नम् गुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा महागणपतये नमः प्रार्थनान् नमस्कारान् समर्पयामि अथ कलशार्चनम् कलशस्तमुखे विष्णुकण्ठेरत्रश्रमाश्रितः मूले तत्र सुधा ब्रह्मा मध्ये मा त्रिगुणा स्मृताः कुक्षौरुगरा सर्वे लब्धद्वीपावसन्धरा ऋग्वेदोदयजुर्वेदः सामवेदोऽर्वणः अङ्गैषसयुधा सर्वे कलशन्धर्माश्रिताः अत्र गायत्री धावित्री शान्तिः पुष्टीकरीकृता आयान्तदेव पूजार्थम् दुरिरक्षरकारकाः सर्वे समुद्रा सुरितस्तीर्थानिकृतानदाः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरि सरस्वती नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निलिङ्गुरो कलशदेवताभ्यो नमः जलगन्धाद्युदारपूजाम् समर्पयामि अथ शङ्खार्चनम् व्यापकमण्डलाय नमः ॐ वह्निमण्डलाय धर्मप्रददशकलात्मने नमः ॐ अर्कमण्डलाय अर्थप्रदद्वारशकलात्मने नमः प्रणवेन ओमिति जलमाभूर्य ॐ सोममण्डलाय कामप्रदषोडशकलात्मने नमः चक्रमुद्रया संरक्ष सुरभिमुद्रया मृजेकृत्य तार्क्षमुद्रया निर्विषेकृत्य शङ्खमुद्रामृधर्ज ॐ मम पाञ्चरण्याय विद्महे पद्मगर्भाय धीमहि तन्नः शङ्खप्रचोदयात् शङ्खदीर्घङ्गलचोदये किञ्चिन्निक्षिप्य पूजोपकरणम् संरोक्ष देवस्य मूर्धिम् निःप्रोक्ष आत्मानम् रोक्ष शङ्खमध्ये सुदन्दोजम् भ्रामिदम् केशवोपरि अङ्गलग्नम् मनुष्याणाम् ब्रह्महत्यानुगन्धे पुनः शङ्घेरम्बोरयित्वा गन्धादिभिरभ्यर्च देवस्य दक्षिणनिग्भागे स्थापये इति शङ्खार्चनम् अथ आत्मार्चनम् यो वेदालोत्तरः प्रोतो वेदान्तेन प्रतिष्ठितः तस्य प्रकृतिलीनस्य यः परस्य महेश्वरः तस्याश्रिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः सहस्रेन्द्रस्वाचल परमस्वरान् ॐ अतलाय नमः ॐ विजलाय नमः ॐ सुतलाय नमः ॐ तलातलाय नमः
ओम रसातलाय नमः, ओम महातलाय नमः, ओम भातालाय नमः, ओम भूर्लोकाय नमः, ओम भुवर्लोकाय नमः, ओम स्वर्लोकाय नमः, ओम महर्लोकाय नमः, ओम जनोलोकाय नमः, ओम तपोलोकाय नमः, ओम सत्यलोकाय नमः, ओम चतुर्दश भुवनाधीश्वराय नमः, ओम उत्तरदशचण्डेश्वराय नमः इति विसर्जये। अथ मण्डपार्चनम्। ओम यक्षेभ्यो नमः, ओम रक्षेभ्यो नमः, ओम अप्सरेभ्यो नमः, ओम गंधर्वेभ्यो नमः, ओम किन्नरेभ्यो नमः, ओम गोभ्यो नमः, ओम देवमातृभ्यो नमः, ओम मण्डपाश्रदेवताभ्यो नमः। जलगन्धाद्युपचारपूजां समर्पयामि। अदद्वारपालपूजां करिष्ये। ओम पूर्वद्वारे द्वारश्री नमः। ओम धात्रे नमः, धात्रे नमः। ओम दक्षिणद्वारे द्वारश्री नमः। ओम चण्डाय नमः, मृदण्डाय नमः। ओम पश्चिमद्वारे द्वारश्री नमः। ओम चलाय नमः, मिलाय नमः। ओम उत्तरद्वारे द्वारश्री नमः। पुष्पदये नमः। द्वारपालपूजां समर्पयामि। आवाहनम्। ओम भास्कराय विद्महे महद्युतकराय धीमहि तन्नो आदित्य प्रचोदयात्। श्री सूर्याय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रदण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। श्रीमन्महागणपतये नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम दात्यार्जनाय विद्महे कन्याकुमार धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्। श्री दुर्गायै नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। श्री धाम सदाशिवाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। श्री महाविष्णवे नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। आवाहित श्री सूर्य गणपत्यम्बिकादेव विष्णुदेवताभ्यो नमः। ध्यायामि, ध्यानं समर्पयामि। आवाहयामि, रत्नसिंहासनं समर्पयामि। पादारविन्दयोः पाद्यं पाद्यं समर्पयामि। हस्तयोः अर्घ्यं अर्घ्यं समर्पयामि। पादारविन्दयोः आचमनीयम् आचमनीयं समर्पयामि। ॐ क्षीरे सोमाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ॐ दत्ने वारवे नमः। वायुम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ॐ घृतेरवये नमः। वायुम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ॐ मधुनि विश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। विश्वान् देवान् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। ॐ शर्करयां सवित्रे नमः। अवतारम् आवाहयामि, स्थापयामि, पूजयामि। आवाहित पञ्चद्रव्य देवताभ्यो नमः। समर्पयामि। आदौ मलापकर्षण स्नानं करिष्ये। ॐ आभोष्टावयोमवस्वानहोर्चेदधातना महेरणाय लक्षते यो वश्वतमोरसस्तस्य वाजयदेहनः उषदीरिव मातरः तस्मारङ्गमामभोजस्य क्षजाय जन्मधा आपो जनयथा जनः मलापकर्षण स्नानं समर्पयामि। अथ क्षीरेण स्नपरिष्ये। ॐ आप्यायस्तदमेतु विश्वदस्वभविष्णयम् भवादस्य सङ्गते क्षीरस्नानम् समर्पयामि। क्षीरस्नानान्तरम् शुद्धोदकेन स्नपरिष्ये। ॐ सद्यो जातम् प्रवध्यामि सद्यो जाताय वै नमो नमः। भवे भवेनादि भवे भव स्वमाम् भवोद्भवाय नमः। शुद्धोदकस्नानम् समर्पयामि दर्धास्तपरिष्ये। ओलधिक्लाविण्णाकारसन्धिष्णोरश्वस्य वाजनः स्वरभिनो मुखाकरत्मणायोगम् शिलानिषद दधिस्नानम् समर्पयामि। दधिस्नानानन्तरम् शुद्धोदकेन स्तपयिष्ये। ओम् भामदेवाय नमः। ज्येष्ठाय नमः। श्रेष्ठाय नमः। रुद्राय नमः। कालाय नमः। कलविकरणाय नमः। बलविकरणाय नमः। बलाय नमः। बलप्रवदनाय नमः। सर्वभूतदमनाय नमः। मनोत्मनाय नमः। शुद्धोदकस्नानम् समर्पयामि घृतेन स्तपयिष्ये। ॐ शुक्रमधिचोदेजोदेवो वस्य विदोत्मना त्वच्छत्रेण पवित्रेण वसा सूर्यस्य रश्मिभिः धृतस्नानम् समर्पयामि। धृतस्नानन्तरम् शुद्धोदकेन स्तपयिष्ये। ॐ
शुद्धानगस्तानं समर्पयामि मधुरनाशनमहिष्ये मधुवातारदायते मधुक्षरंगसंधवः माध्वेर्न संभोषधे मधनक्त मदोषधे मधमत्पार्थिवगुम्रगः मधुद्योरस्तुनप्यदा मधमानोवनस्पदर मधमागुम्रस्तसोज्यः माध्वेर्गावबवन्दुनः मधुस्नानं समर्पयामि मधुस्नानानन्दं शुद्धोर्गेन समहिष्ये ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् शुद्धोर्गस्नानं समर्पयामि शर्करजास्तपरिष्ये ॐ स्वादुःपवस्व दिव्याहिरन्मने स्वादुरिन्द्राय सुहवीतुनाम्ने स्वादुर्मित्राय वरुणाय वायवे बृहस्पतये मधुमागुम्बराभ्यः शर्करास्नानं समर्पयामि शर्करास्नानानन्दं शुद्धोर्गेण स्तपयिष्ये ॐ सर्वविद्यानाम् ईश्वर सर्वभूतानां ब्रह्माजपदर्ब्रह्मणोजपदर्ब्रह्माशिवोऽस्तु सदाशिवो शुद्धोर्गस्थानं समर्पयामि ॐ या फलिनेर्या फलाविष्टायाश्च विष्पणेः बृहस्पति प्रसोदास्थानामञ्जन्द्रगं सदा फलोरगस्थानं समर्पयामि शुद्धोरगस्थानं समर्पयामि क्षीरं दधिकृतं चैव मधुशर्करजान्विलं पञ्चामृतं ग्रहाणे रञ्जगन्नाधतमोऽसु ते मृताभिषेकस्थानं समर्पयामि अथ महाभिषेके वियोगः ॐ भद्रं करुणे विश्रुणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्गजक्राः श्रीरङ्गये सुष्ठुवागुंसस्तनोभिः यशयम देवहि दैन्यदायुः स्वस्ति न इन्द्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शा
नमः प्रमदपतये नमस्ते अष्टलोकनाथाय एकदण्डाय विघ्नहर्ते वसुदाय श्रीवर्गमूर्तये नमो नमः सहनाभवतु सहनामनक्तो सहवीर्यङ्गलवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अनुष्टुभदण्डस्य अघोरऋषिः अमृतानुष्टुब्धन्धः श्रीसङ्गर्षणमोदस्वरूपोजोऽसावादित्यः स एष परमपुरुषः समृद्धण्डयत्यम्बकरुद्रो देवता सकलस्य रुद्राध्यायस्य श्रीरुद्रो देवता एकागादित्येच्छन्दः तिस्रो अनुष्टुभः तिस्रः पङ्कजः सप्तानुष्टुभो द्वे जगत्यो परमेष्ठे ऋषिः जगदेच्छन्दः अस्माकम् सर्वेषाम् समस्तपापक्षयार्थे न्यासे विनियोगः ॐ अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्यान् नमः ॐ दर्शपूर्णमासात्मने दरुदिनेभ्यान् नमः ॐ चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यान् नमः ॐ निरूढपशुमन्धात्मने अनामिकाभ्यान् नमः ॐ ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यान् नमः ॐ सर्वकृत्वात्मने करदलकरदृष्टाभ्यान् नमः ॐ अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः ॐ दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा ॐ चातुर्मास्यात्मने शिलायै वशुना ॐ निरूढपशुमन्धात्मने कवचायहम् ॐ ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रप्रजाय वौषणा ॐ सर्वकृत्वात्मने अस्राय भग भोर्भवस्वरोम् इदिग्बन्धः ध्यानम् आवाहानम् सदनान्दभवन ब्रह्माण्डमा विस्फुरत ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिमलसत्पूर्णेन्दुवाण्डामृतैः अस्त्वाकामृतमेकमेषमनिशम् रुद्रालवाचवन् ध्याये दीप्सित सिद्धये ध्रुवपदम् विप्रोभिषञ्जयक्षिणम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहामसदहिमरुदाभासमानाभजङ्गैः कण्ठे कालाकबर्दाकलितुशशिकलाश्चण्डगोडण्डहस्ताः द्रक्षारुद्राक्षमाला प्रकृतिविभवा शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्राश्रीरुद्रसोक्तप्रकटदवभायः प्रयच्छन्दसौख्यम् कैलासशिखरे रम्ये शङ्करस्य शिवालये हेमदास्तत्रमो दण्डे तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु शुद्धस्फटिकसङ्गाशम् शुद्धविद्याप्रदायकम् शुद्धम् पूर्णम् च दानन्दम् सदा शिवमहम् भजे शञ्च मे वयश्च मे प्रियञ्च मे न कामश्च मे कामश्च मे सोमनशश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे गन्दा च मे दत्ता च मे क्षेमश्च मे दृदिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्छ मे धात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोश्च मे क्षीरञ्च मे लयश्च मधुतञ्च मे मृतञ्च मे लक्ष्मञ्च मे रामयच्छ मे जीवादुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे जयनञ्च मे सुषाद मे सुजनञ्च मे ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः ॐ नमो भगवते रुद्राय ॐ नमस्ते रुद्रमण्यवतो दिशवे नमः नमस्ते रसुधन्मने बाहुभ्यवदते नमः ध्यादश शिवतमा शिवम् बभूवते धनुः शिवाशरव्यायातमतयानो रुद्रमृडया याते रुद्रशिवाधनोरघोरापापकाशिनी तयानस्तनुभाषन्दमया गिरिशन्दाभिचाकशीः यामिषम् गिरिशन्दहस्ते विमर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रदाङ्गुरमाहिगम् सेत्परुषम् जगदा शिवेन वचसा त्वागिरिशाच्छावदामसि यथा नः सर्वमिच्छगलक्ष्मगम् समदासदा अर्ध्यवोचनि भक्ता प्रथमा दैव्याभिषगा अहेगुश्च सर्वाण्यम् भयम् सर्वाश्चयादुधान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रस्य मङ्गलः जय क्षेमागम् रुद्राभिदो लक्षश्रिता सहस्रजो वैशागम् हेण ईमहे असौ यो वसर्पदेयक्रेवो विलोहितः उदैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नसहार्यः उदैनम् विश्वा भूतानि सदृष्ट्वा मृळयादिनः नमोऽस्तु नीलग्रेवाय सहस्राक्षाय वेणुषे अथो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करन्नमः
नमस्ते अस्त्रायुधायानादाय दृष्णवे उभाभ्याम् उदधे नमो बाहुभ्याम् दवधन्मने परते धन्मनो हेतिरस्मान् रणक्तो विश्वतः अथो यशुदश्च हारे अस्मन्निधे हितम् श्रीशम्भवे नमः नमस्ते नस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बराय त्रिपुरान्दराय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्जपतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय त्विषेमदेवधीनां पतये नमो नमो बभ्रुजाय व्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपभीजने वष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यैलकलां पतये नमो नमो रुद्राय कतालिले क्षेत्राणां पदये नमो नमः सूदाय हन्द्याय वनानां पदये नमो नमः रोहिणाय स्थपदये वृक्षाणां पदये नमो नमः मन्त्रणे वाणिजाय कक्षाणां पदये नमो नमः भवन्दये वारिव स्मृतायौषधीनां पदये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्नीनां पदये नमो नमः प्रश्नभीताय धावते सत्त्वनां पदये नमः नमः सहमानाय व्याधिन आव्याधिनीनां पदये नमो नमः कुभाय निषङ्गिने सेनानां पदये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पदये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चतेस्तायूनां पदये नमो नमो निषेदवे परिचरायारण्यानां पदये नमो नमः श्रुकालिभ्यो जगागुं सद्यो पुष्पदां पदये नमो नमो श्रीमद्भ्यो लक्कञ्जरभ्यः कृन्दानां पदये नमो नमः श्रीशले गिरिजराय कुलञ्चानां पदये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाभ्यश्च भो नमो नमः धन्वाणेभ्यः प्रदुधानेभ्यश्च भो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विदुद्भ्यश्च भो नमो नमास्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च भो नमो नमः आसीनेभ्यश्चयानेभ्यश्च भो नमो नमः स्वमद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च भो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो रामद्भ्यश्च भो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च भो नमो नमः अश्वे ेभ्यश्च भो नमः नमः आव्याधिनेभ्यो विविध्यन्देभ्यश्च भो नमो नमः उभयाभ्यस्तुगं हृदेभ्यश्च भो नमो नमः कृत्सेभ्यो कृत्सपदेभ्यश्च भो नमो नमो व्रादेभ्यो व्रातपदेभ्यश्च भो नमो नमो गणेभ्यो गणपदेभ्यश्च भो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च भो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च भो नमो नमो रथेभ्यो रथेभ्यश्च भो नमो नमो रथे भ्यश्च भो नमो नमः सेनाभ्यसेनाभ्यश्च भो नमो नमः क्षत्रुभ्यः सङ्ग्रहेतृभ्यश्च भो नमो नमः सक्षभ्यो रथकालेभ्यश्च भो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मालेभ्यश्च भो नमो नमः पञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च भो नमो नमः युगभ्यो दण्डगद्भ्यश्च भो नमो नमः मृगयभ्यश्वनेभ्यश्च भो नमो नमः अश्वभ्यश्वपदेभ्यश्च भो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शुतिकण्ठाय च नमः कवर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः स्वस्वाख्याय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिपिविष्टाय च नमो भीरुष्टमाय देशुमते च नमो रस्याय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयते च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च निधाय च नमः शीघ्रियाय च शेभ्याय च नमः ऊर्म्याय गावस्वन्याय च नमः स्रोतस्याय च द्वीप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय दापरजाय च नमो मध्यमाय चापगल्थाय च नमो जगन्याय च बध्नाय च नमः सोऽभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्या
सुभद्राय दक्षेम्याय च नम अर्वल्याय च कल्याय च नम श्लोक्याय च अवसान्याय च नम वन्याय च कक्षाय च नम श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम सुषेणाय चाशरथाय च नम अश्रूणाय च वृन्दते च नम भर्मिणे तव रोचिणे च नम भर्मिणे जगवचने च नम श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो द्वन्द्वभ्याय च हरण्याय च नमो दृष्टमे जप्तमृषाय च नमो दूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिणे च सुधमते च नमस्ते श्लेषवे च नमस्वायथाय च सुधन्वने च नमस्कृत्याय नवध्याय च नमः कात्याय च दीप्याय च नमः सूत्याय च सरस्याय च नमो नात्याय च वैषन्दाय च नमः कूप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नम ईद्याय च तप्याय च नमो वाद्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तवाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमः स्थान्द्राय च अरुणाय च नमः शङ्गाय च पशुपतये च नमः अग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वधाय च दूरे वधाय च नमो हन्त्रे दहनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमः स्थालाय नमः शम्भवे नमः योभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवधराय च नमः स्तीर्थ्याय च गोल्याय च नमः पार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आधार्याय च लाद्याय च नमः शक्ष्याय च भेण्याय च नमः सुगत्याय च प्रभाख्याय च नमः हिरण्याय च प्रभथ्याय च नमः कगुंशराय दक्षरणाय च नमः कबर्दिने च बलस्तये च नमो गोष्ठाय च ऋक्ष्याय च नमः सल्याय रगेह्याय च नमः काट्याय च नमः परेष्ठाय च नमो हृदयाय च वेष्ठाय च नमः पागुंसव्याय च दस्याय च नमः शुष्याय च हृद्याय च नमो लोभ्याय च लभ्याय च नमः ऊर्भ्याय च सूर्भ्याय च नमः पर्ण्याय च वर्णसज्ञाय च नमो अपकर्माणाय च विद्मदे जनमाख्यदे च प्रख्यदे च नमो वह्यगेभ्यो देवारागुमृदयेभ्यो नमो विक्षेणगेभ्यो नमो विचिन्मत्केभ्यो नमो आनिर्हदेभ्यो नमो आमीभत्येभ्यः द्रापे अन्धस्पदे दरिद्रन्नीललोहिता एषाम् मरुषाणामेषाम् पशूनाम् मा भेर्मा रोमो एषाम् किञ्च नाम मदा जाले रुद्रशुभासनो शिवा विश्वा वेषदे शिवा रुद्रस्य भेषदे दयानो मृणधीमसे यमागम् रुद्राय तमसे गवर्दिने क्षयद्लीलाय प्रवरामहे मदिम् यथा नश्रमसद्यपदे चतुष्पदे विश्वम् भुष्टम् ग्रामे अस्मिन्नरादरम् ृणानोरुद्रोदरामनस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्छञ्जयोश्चमनुरायजे पिता ददश्यामदवरुद्रप्रणीतौ मानो महान्तवदमानो अर्भगम् मानवक्षन्दवदमानवक्षदम् मानो वदे पितरम् मोदमातरम् प्रियामानस्तनवो रुद्ररीरजः मानश्चोके तनहे मानाजुषमानो गोषमानो अश्वेश्वरीरिषः ीरान्मानोरुद्रवामितोपधीरमिष्मन्दो नमसा विधेमते हाराद्रे गोघ्न उदबोरुशक्ने क्षयद्वीराय सं नमस्मेदे अस्तु रक्षाजहो अजितदेव भ्रोह्यराजनः शर्वयच्छद्यपरः सुरेश्वरङ्गर्दसदैयुवानम् मृगन्न भीममवहत्तमग्रम् मृगालरत्रे रुद्रस्तवानो हन्यन्ते अस्मन्यव बन्धुसेनाः परिणोरुद्रस्य हेतरवृणद्वरद्वैषस्य चरमजरघायो अवस्य रामगवद्भ्यश्च नश्वमेद्भ्यस्तोकायतनयाय प्रलया मेनष्टमशवतमशवो नः स्वमनाभवा परमे वृक्षाय सन्निधाय कृत्यम् वसाधाचलपि नागम्यभ्रराबहि विगिरदविलोहित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगम् हेतयोऽन्यमस्मन्निव बन्धुराः सहस्राणि सहस्रधा बाहवो सव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृति सहस्राणि सहस्रजो ये रद्राणि भौम्याः एषागम् सहस्रयो जने वधन्वानि धन्मसे अस्मिन् महत्यर्णवेन्दरिक्षे भवाहि नीलग्रीवाश्रदिगण्ठाश्चर्वाधाक्षवाचराः नीलग्रीवाश्रदिगण्ठादिभगम् रुद्रोपश्रिताः ये वृक्षेषु तस्मिन् जलानीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विषगासः कवर्तिनः
ये सुगंधं पुष्टवर्धनम् अयम् मे विश्वभेजो योजगम् शबानवरजना येते सहस्रमजदम्बाजामृत्योमर्त्यो हन्तवे दायद्यस्य वायुयासरवानवयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रोमाविधान्तकः एवान्नेहाप्यायस्व सदाशिवो। प्रजदश्च मे प्रजदश्च मे धेदश्च मे क्रदश्च मे स्वरश्च मे श्लोकश्च मे श्रावश्च मे श्रुतिश्च मे ज्योतिश्च मे सुवश्च मे प्राणश्च मे बाणश्च मे ज्ञानश्च मे सुष्ठ मे यत्तञ्च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रञ्च मे दक्षश्च मे बलञ्च मोजश्च मे सहश्च म आयुश्च मे जरा च म आत्मा च मे धनोश्च मे चर्म च मे वर्म च लिङ्गानि च मे स्थानि च मे ञ्च मे मन्यश्च मे भामश्च मे मश्च मेऽम्भश्च मे जेमा च मे महिमा च मे वरिमा च मे प्रथिमा च मे वर्ष्मा च मे द्राभया च मे वृद्धञ्च मे वृद्धश्च मे धृत्तिञ्च मे शर्धा च मे नयश्च मे धनञ्च मे वशश्च मे वजश्च मे क्रीडा च मे मौनश्च मे जातञ्च मे जनश्च मानञ्च मे सोक्तञ्च मे सुहृतञ्च मे वृत्तञ्च मे वेत्यञ्च मे भूतञ्च मे भविष्यच्च मे सुखञ्च मे सुपदञ्च मरुद्ध मरुद्धश्च मे कृतञ्च मे गुप्तश्च मे भजश्च मे सुमदश्च मे शञ्च मे वृणश्च मे प्रयञ्च मे नुकामश्च मे कामश्च मे रोमनश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यजश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे रन्दा च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संवेच्च मे यच्छात्रञ्च मे सोश्च मे प्रसोच्च मे शीलञ्च मे भयश्च मरुतञ्च मे भृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे रामयश्च मे देवादश्च मे दीर्घायत्मञ्च मे नमद्र ञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे जयनञ्च मे सूजाच मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सौनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधुर मे चक्रश्च मे सपेदश्च मे घृशश्च मे वृक्तिश्च मे चैत्रञ्च भोद्भृत्यञ्च मे रयश्च मे राजश्च मे पष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुज मे प्रभुज मे बहुज मे भोजश्च मे भोर्णञ्च मे भोर्णतरञ्च मे क्षुजश्च मे कूजवाश्च मे न्यञ्च मे क्षुत्कुरु ब्रीहरश्च मे यवाश्च मे माधाश्च मे तिलाश्च मे मुद्गाश्च मे अस्मान् मे मृत्तिकाश्च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे दिगदाश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे वीरञ्च मे तपश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे अग्निश्च भावश्च मे वेरुदश्च भोजदयश्च मे कृत्तवच्यञ्च मे कृत्तवच्यञ्च मे क्षाम्याश्च मे पशवारण्याश्च यत्नेन कल्पन्तां मृत्यञ्च मे मृत्युश्च मे भूतञ्च मे भोजश्च मे वसद मे वसनश्च मे कर्म च मे शुक्लश्च मे अर्थश्च मे मश्च मे ष्ट मे गदश्च मे
अग्निश्च महेन्द्रश्च मे सोमश्च महेन्द्रश्च मे सविता च महेन्द्रश्च मे सरसले च महेन्द्रश्च मे भोजा च महेन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च महेन्द्रश्च मे मित्रश्च महेन्द्रश्च मे वरुणश्च महेन्द्रश्च मे त्वष्टा च महेन्द्रश्च मे धाता च भुजश्च मे विष्णुश्च महेन्द्रश्च मे विष्णौ च महेन्द्रश्च मे भरतश्च महेन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवाश्च मे पृथिवी च महेन्द्रश्च मेन्दरिक्षं च महेन्द्रश्च मे रजौश्च महेन्द्रश्च मे ऋतश्च महेन्द्रश्च मे भोर्था च महेन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च महेन्द्रश्च मे अगुंजश्च मे रश्मिश्च मे दाभ्यश्च मे ऋभुश्चमोपागुंसश्च मेन्द्रयामश्च महेन्द्रवाघवश्च मे महेत्रावरुणश्च माश्विनश्च मे प्रजप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मञ्जीर माग्रहश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च मनुग्रहाश्च मे निग्राह्याश्च मेन्द्राक्तश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वदीयाश्च मे माहेन्द्रश्च महाविद्यश्च मे सावित्यश्च मे सारथ मे भोष्णश्च मे पात्नीभदश्च मे हायोजनश्च मे इत्वश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे निष्णुयाश्च मे ऋजश्च मेदमजाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च मरवाश्च मे ऋषवरेण मे द्रोणगरजश्च मे वाजभ्यानज मे बोधवृच्छ माधवनीयश्च माग्नेर्धानन्द मे ग्रहाश्च मे सुरश्च मे पुरोराधाश्च मे पददाश्च मे बभृतश्च मे स्वाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सौर्यश्च मे प्राणश्च मे चुभेदश्च मे पृथिवी च मे दिदिश्च मे दिदिश्च मे द्योश्च मे जक्वरीरङ्गुलजारुहश्च मे यज्ञेन कल्पन्तामृक्ष वेदाम च मे सोमश्च मे दिश्च मे दीक्षाद मे तपश्च मरुदुश्च मे प्रकञ्च मे होरात्रयो दृष्ट्याप्रहद्रसन्धरे च मे यज्ञेन कल्पेदा गर्भाष्ट मे वत्साष्ट मे त्रिविष्ट मे त्रिवीज मे दृत्योक्ष मे दृत्योहीद मे पञ्चाविष्ट मे पञ्चाहीद मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्साद मे दुर्जवाच मे दुर्जोहीद मे पष्ठवाच मे पष्ठोहीद मोक्षाद मे वशाद मृषभश्च मे वेहच्च मे रड्वाञ्च मे रेरश्च मायर्यज्ञेन कल्पदाम बाणो यज्ञेन कल्पदाम बाणो यज्ञेन कल्पदाम ध्यानो यज्ञेन कल्पदाञ्जक्षर यज्ञेन ृश्च मे पञ्च मे सप्त मे नव च मेकादश मे त्रयोदश मे पञ्चदश मे सप्तदश मे नवदश मेकविपुंसतिष्ठ मे त्रयोविपुंसतिष्ठ मे पञ्चविपुंसतिष्ठ मे सप्तविपुंसतिष्ठ मे नवविपुंसतिष्ठ मेकत्रिपुंसच्च मे त्रयस्त्रिपुंसच्च मे चतस्रश्च मे चौद मे द्वादश मे षोडश मे विगुंसतिष्ठ मे चतुर्विपुंसतिष्ठ मे अष्टाविपुंसतिष्ठ मे त्रिपुंसच्च मे षत्रिपुंसच्च मे चत्वारिपुंसच्च मे चतुश्चत्वारिपुंसच्च मे अष्टाचत्वारिपुंसच्च मे बालश्च प्रथमश्चाभिजश्चक्रतुश्चतुरश्च मूर्ध चतुश्चान्द्रश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च ृहस्पतिरक्षामदारिडगुंसत्विश्वे देवा पृथिविमा धर्मामारिगुं हेर्मधुमनिष्ये मधुधनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुमनिष्यामि मधुमतीवाचमुद्यातगुं शुश्रोजेण्यामनश्ये भस्तं मा देवावन्दुशोभायैर्मलन्दु ॐ शान्ति 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 ओम अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः ओम दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा ओम चातुर्मास्यात्मने शिखारे वशडा ओम निरोधवशबन्धात्मने कवचायोऽहम् ओम ज्योतिष्टोमात्मने नेत्रत्रयाय वशडा ओम सर्वरत्नात्मने अस्त्राय फट भूर्भुवस्सुवरोम् इति दिग्विभोकः शुद्धस्फटिक संघाशं शुद्धविद्याप्रदायकं शुद्धं पूर्णं चिदानन्दं सदाशिवमहं भजे तच्छयो रावणीमहे घातयज्ञाय घातयज्ञमदये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ओ
अर्थञ्जिगात भेषजम् शन्नास्तद्विपदे षञ्जदुष्पदे नमो ब्रह्मणे नमो अस्तग्नदे नमः पृथिव्ये नमः ओषधीभ्यः नमो भाजे नमो भाजस्पतये नमो विष्णवे बृहते करोमि आहिर्गेभ्यर्यरतो नो नमाप्याजय हरिवो वर्तमानः यदा स्तोतभ्यो महि गोत्रार्जादिवो निष्ठभाजो अधते स्याम ब्रह्म प्रावादिष्णरन्नामादीत ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ठीक सत्संग करेंगे यहाँ से भैया यदि दीदी एक लाइन गाएंगी आप सब लोग ताली बजाकर साथ में गाएंगे एक लाइन भैया यहाँ से गाएंगे फिर आप उसको दोहराएंगे और जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबको गाना है शिवाय ओम नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय ॐ नमः शिवाय
शिवाय नमः तुला बेलाची सब लोग गाएंगे उधर से आवड तुला बेलाची बेलाचा पानाची Oh.
आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाचा पानाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोळा शंकर संगे नाचे पार्वती हो विश्व हाती संगे नाचे पार्वती हो त्रिशूल डमरु हाती संगे नाचे पार्वती आवड तुला बेलाची
हे आवड तुला बेलाची बेलाच्या पानाची हे भोला शंकर सब लोग गा रहे हैं कितने लोग नहीं गा रहे हैं नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय शिव 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 नमः शिवाय 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 डमडमडमडमडमरूबजे हे डमडमडमडमडमडमरूबजे हे नटराजा हे नटराजा हे नटराजा शिव 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय राजा हे नटराजा
उत्सव की श्रृंखला को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे मुरली भैया को आमंत्रित करता हूं कि मंच की बागडोर को आगे बढ़ाएंगे। जय गुरुदेव। अभी नवीन भैया ने जय गुरुदेव बोला, उसके बाद मैंने आपसे जय गुरुदेव बोला। जय गुरुदेव मतलब क्या है? अभिवादन है। और दूसरा, ये नापने का तरीका है कि आप कितने जिंदा हैं। तो एक बार देख लें आप लोग कितने हैं। जय गुरुदेव। ठीक ठाक तो है। पूजा के जितना भी प्रभाव था उससे बाहर आ गए क्या सब लोग? कैसी लगी पूजा सबको? हाथ है ना, उठा के दिखा सकते हैं। वाह, बहुत बढ़िया। इस पूजा का प्रयोजन इतना ही था कि हर किसी को यह महसूस हो सके कि नागपुर में श्रावण मास में आर्ट ऑफ लिविंग यह पूजा घर घर करता है। अगर आपने प्रथम बार आप इस पूजा में शामिल हुए हों तो अगली बार ये पूजा आप अपने घर में भी करा सकते हैं। और इस पूजा के आयोजन के लिए हमारी जो टीम है, आप लोग जानना चाहेंगे कौन आयोजित करता है पूजाएं?
हाँ ना, तो मैं नाम ले रहा हूं श्री महेश दशस्त्रे। महेश जी, प्रदीप कामवानी, नंदिनी ठक्कर, आ जाइए दौड़ के। तो आपको जब भी ऐसा लगे इस पूजा का आनंद लेना है, अगले श्रावण मास में घर घर पूजा होनी चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को? धन्यवाद। देखिए, हम लोग है ना, ये सिर्फ पूजाएं नहीं करवाते हैं, हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग नागपुर में बहुत सारा काम, यानी पूरे दुनिया में ही करता है। आपको मालूम है 180 देशों में हम लोग काम करते हैं। और छोटा सा मकसद है, एक ही मकसद कि हर व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो। उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं भाई, लोगों के चेहरे पर मुस्कान ही नहीं आती आजकल। हर घर में देखिए प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये मकसद ठीक है क्या जिसके लिए काम कर रहे हैं हम लोग? हाँ ना यार, आप लोगों के हाँ में मजा नहीं आ रहा तो हमको काम में मजा नहीं आ रहा, फिर से बोलिए तो। वेरी गुड गार्गी, गार्गी, अब आपका पूरा ध्यान जो है ना वो स्क्रीन पे होना चाहिए। गुरुकुल, हमारे पुरातन वेद, सनातन धर्म। अच्छा, सनातन धर्म का, सनातन का अर्थ क्या है सबको मालूम है क्या? हाँ ना, जहां पुरातन और नवीनतम मिले वो सनातन है। तो हमारे जो वेद हैं उनका संरक्षण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। तो देखिए, हम लोग, हमारे आश्रम जो कड़मेश्वर रोड पर है वहां एक गुरुकुल चलाते हैं। ये जितने बच्चे आप देख रहे हैं, दिख रहे आपको सब दिख रहे हैं ये बच्चे सब? किनको खड़ा होने की तकलीफ दूं मैं? ये सारे बच्चे हमारे गुरुकुल के विद्यार्थी हैं। यहां हम चारों वेदों का पठन करवाते हैं और ये बच्चे हर साल एग्जाम देते हैं। और आपको एक बात और बताते हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो बात अभी हमने कही कि पुरातन और नवीनतम, ये जब दोनों मिलते सनातन होता है। ये बच्चे साइंस भी पढ़ते हैं, ये बच्चे मैथ्स भी पढ़ते हैं और आपस में संस्कृत में ही बात करते हैं। तो गुरुकुल का एक बड़ा भवन आश्रम में निर्माणाधीन है। आप सबको इस मंच से आमंत्रण है कि एक बार कम से कम आश्रम आइए आप लोग। जब भी आपको ऐसा लगे कि आज संडे है, फुर्सत है, तो आश्रम आ जाइए। आश्रम का अर्थ होता है जहां विश्राम किया जाए, ठीक है। दूसरा काम हम लोग करते हैं, कौशल्य विकास, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्किल डेवलपमेंट। अतुल भैया है क्या यहां?
ये कौशल विकास केंद्र भी हम लोग वहीं आश्रम में चला रहे हैं और इसको श्री अतुल चर्डे जी इसके डायरेक्टर हैं। अब यहाँ क्या क्या प्रशिक्षण हो रहा है, यहाँ सोलर का प्रशिक्षण दे रहे हैं, यहाँ मोबाइल का प्रशिक्षण दे रहे हैं, यहाँ मैकेनिकल को जिसको मैकेनिक बनना है उसको प्रशिक्षित कर रहे हैं, बॉश कंपनी के साथ टाई अप है। तो गुरुजी कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, आप समझ रहे हैं बात को। गुरुजी आपके जीवन में सुधार लाने के लिए यहां तक कि रोजगार की भी बात कर रहे हैं, कितना अद्भुत है ना। आपका अध्यात्म और रोजगार, कहीं कोई है ऐसी संस्था जो ये सब काम करती हो? इसके बाद आप चलेंगे गार्गी, जल संसाधन, छोटा सा शब्द बहुत बृहत उसका असर, बहुत जरूरी है आप लोगों को बताना। मैं कुछ लोगों को आमंत्रित कर रहा हूं, श्री मनीष बदियानी जी, रंजीत जी, तुमने जी, योगेश, नामदेव, मयूर, जितेंद्र, आगे जी आगे। इन लोगों को ध्यान से देख लीजिए, बहुत अद्भुत लोग हैं ये। अद्भुत इसलिए कह रहा हूं मैं क्योंकि मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ था जब उनके कारनामे हम लोगों को देखे। ये पूरी टीम जल संसाधन का काम कर रही है और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के साथ 800 करोड़ का एमओयू किया है। यार 800 करोड़ के हिसाब से तालियां तो बजनी चाहिए। चलो ये तो हो गई बात रुपए की, अभी हो क्या रहा है? अभी तक 1600 किलोमीटर के नाले जिसमें से पानी बह के आ रहा है इसका काम संपूर्ण हो चुका है। इसको और सरल शब्दों में मैं आपसे बताऊं कि 4,00,000 एकड़ जमीन सिंचित हुई है। ये खुद ये पूरी टीम मौदा से है, नागपुर इसमें ही है। यहां पर किसान एक फसल लेते थे, अब वो किसान 3 फसल लेते हैं। और ये किसान जब 3 फसल लेने लगे तो यहां से बेंगलोर गुरुजी का आशीर्वाद लेने के लिए फ्लाइट से गए थे 300 लोग। कितना अद्भुत है ना। गुरुजी क्या क्या करवाते हैं, आध्यात्म, रोजगार, जल सिंचन, जल संसाधन और धन्यवाद। एक और चीज मैं आपसे इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूं, अर्चना भारती जी सामने आ जाएं। अर्चना जी डी एडिक्शन सेंटर चलाती हैं। और डी एडिक्शन सेंटर तो बहुत होते हैं, उसमें क्या खास बात है, लेकिन हिंदुस्तान में ये 2 ही सेंटर हैं, एक नागपुर में और एक केरला में। तो अब देखिए कितना बृहत, कितने आस्पेक्ट और कितने पहलुओं पर सब लोग काम कर रहे हैं।
और फिर सत्संग भी करते हैं, है ना कमाल। तो कम से कम यहां तो आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान हो, अब एक और बात जो सबके यहां जो लोग बैठे हैं जो आर्ट ऑफ लिविंग से बिलोंग कर रहे हैं उनके बहुत दिल के करीब है, ये है ये हुई ना बात, बगैर कुछ बोले अगर तालियां बज जाए तो समझ लेना काम हो गया है। जिनको ना पता हो उनको मैं बता दूं, ये गुरु कुटीर है, ये आपके पास पहुंच गया है क्या, सबके पास है? इसका तीसरा पेज खोलिए तो जरा, खोल लिया सबने? मैं पढ़ रहा हूं, गुरु के सानिध्य में मैं का विलीन हो जाना। जब गुरु आपके साथ हूं तब मैं नहीं रहता है। गुरु के सानिध्य में मैं का विलीन हो जाना, सब कुछ गुरुमय हो जाना, इस अनुभूति का नाम गुरु कुटीर है। ये गुरुकुटीर निर्माणाधीन है और आप लोगों को बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इसमें करीब करीब 1 करोड़ रुपया लगना था, यानी लगना है, और 1.25 महीने पहले ठीक 14 जुलाई को इसकी शुरुआत हुई और आप सब लोगों ने मिलके अभी तक 65 लाख रुपए जमा कर लिए। बहुत अद्भुत है यार। और आज हमारे बीच इस पूजा के जो यजमान हैं श्री प्रशांत, श्रीमती श्री प्रशांत कुलकर्णी, श्रीमती श्री विजय रमानी, श्रीमती श्री पूनम चंद जी मालू, इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इस गुरु कुटीर में यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं जिन्होंने योगदान दे दिया हो, उनके अलावा अगर वो चाहते हैं कि एक ईंट मेरे भी नाम की इस गुरु कुटीर में लगे, तो जाते जाते आपको बाहर एक डेस्क दिखाई देगा जिसमें लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन एंड डोनेशन डेस्क। आप भी जाते जाते एक ईंट लगा सकते हैं। मैं गुरुकुल की जो बात कर रहा था उसमें मुकुल भैया, मुकुल चिमूटे, राजेश शेट्टी जी और प्रशांत भैया तो बैठे ही हैं यजमान होके। मुकुल भैया, राजेश भैया, अच्छा मुकुल भैया गा रहे हैं, ये राजेश शेट्टी जी हैं, ये गुरुकुल का कार्य देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ क्योंकि बहुत सुंदर सत्संग हमारे बीच प्रवीण भैया हैं और बहुत व्यवस्थाओं के बावजूद उन्होंने समय निकाला, यहाँ पहुँचे हैं आज सुबह। तो मैं आप लोगों का कोई भी एक पल भी नष्ट नहीं करना चाहता हूँ और प्रवीण भैया से निवेदन करता हूँ कि सत्संग को आगे बढ़ाएं। जय गुरुदेव। आप भी हैप्पीनेस प्रोग्राम कीजिए, हैप्पी रहिए, इट इज सो सिंपल, ठीक है। और इसमें
आपके नीचे डिटेल दिए हुए हैं, वो स्कैन स्कैन करते हैं ना, उससे आपको डिटेल मिल जाएंगे। ठीक है, करेंगे सब लोग? जय गुरुदेव। ताली बजना चाहिए सब लोगों को। आपकी ताली की आवाज बताएगी कि आपको कितना अच्छा लगा। और मुझे बहुत जगह जाना होता है पूजा के लिए और कोर्सेज के लिए या और किसी आर्ट ऑफ लिंक के काम के लिए, बहुत सेंटर्स पे मैं विजिट करता हूँ। मुझे कहते हुए बहुत खुशी होती है कि नागपुर एक ऐसा सेंटर है जहाँ बहुत 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 अच्छा काम चल रहा है। इस पूरे भारत को यदि हम देखें तो नागपुर सेंटर में बहुत अच्छा काम हो रहा है। आप सोचिए, यहाँ पर स्किल सेंटर चल रहा है, गुरुकुल में बच्चे पढ़ रहे हैं, डी एडिक्शन सेंटर हमारे यहाँ पर मौजूद है, और सबसे बड़ी बात कि गुरुदेव के लिए गुरु जी की कुटरी बन रही है। आपको पता है गुरुदेव गुरु कुटरी के लिए सिर्फ कुछ ही जगह पर ब्लेस करते हैं कि हाँ ठीक है चलो तुम गुरु कुटरी बना लीजिए। बहुत लोग उनको लाइन में लगते हैं कि गुरु जी हम अपने यहाँ पे आपका एक गुरु कुटरी बनाना चाहते हैं, लेकिन शायद ये गुरु जी ही डिसाइड करते हैं कि मुझे कहाँ रहना है और कितने दिन रहना है। तो इस दृष्टि से भी नागपुर बहुत सौभाग्यशाली है कि गुरु जी ने यहाँ गुरु कुटरी बनाने की परमिशन दी। और इतना सब काम हो रहा है, मुझे लगता है इसके पीछे आप जानते हैं कि बहुत बड़ी टीम काम कर रही है, आप सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं, इसलिए मुझे लगता है उस टीम के लिए भी हमें ताली बजाना चाहिए। पानी के लिए इतना सारा काम हुआ, कोई हो रहे हैं सब जगह, कहीं पे सिर्फ गुरुकुल हो रहा है तो कहीं गुरु जी का आश्रम का हो रहा है तो कहीं पानी का हो रहा है, लेकिन नागपुर और खासतौर से विदर्भ एक ऐसी जगह है जहाँ सब कुछ एक साथ हो रहा है ना। आप में से बहुत लोग शायद हैप्पीनेस कोर्स नहीं किए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स नहीं किए, मैं चाहूँगा कि आप सब लोग हैप्पीनेस कोर्स कीजिए, सुदर्शन क्रिया का अनुभव लीजिए। और जो लोग हम सब डिवोटीज यहाँ कोर्स कर चुके हैं, हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम इस ज्ञान को और भी कई लोगों तक पहुँचाएं। यस और नो? तो अभी जैसा भैया बता रहे थे कि नागपुर को हमें कुछ हिस्सों में ऐसे डिवाइड करना है, और ये हमारे या भैया के शब्द नहीं, गुरुदेव के शब्द हैं। गुरुदेव ने सीधे सीधे गाइड किया, इंस्ट्रक्ट किया कि इस तरह से ऐसा ऐसा करके काम करना है। तो मैं आप सब लोगों से आह्वान करता हूं कि आप सब लोग आगे आएं और इस काम को पूरा करें। शायद गुरुदेव का कोई बड़ा संकल्प है जो उन्होंने शब्दों के रूप में अभी तक व्यक्त नहीं किया, लेकिन भाव के रूप में महसूस कर पा रहे हैं कि कुछ तो भी ऐसा है जो गुरुदेव ने सोच के रखा है विदर्भ के लिए और नागपुर के लिए। सब लोग करेंगे साथ मिलकर काम? इतनी कम आवाज में मजा नहीं आता भाई। ठीक है, भजन सुनना है कि कहाँ बैठेंगे हम? वहां बैठ, एक ही शर्त पे गाएंगे हम लोग कि आप साथ में गाएंगे? यस। और इतने कम आवाज में नहीं गाएंगे? यस। मजा नहीं भाई? यस। थोड़ा सा इफेक्ट खोल दीजिए इसका। तेरे के लाशों का अंत न पाया, तेरे के लाशों का अंत न पाया, तेरे के लाशों का अंत न पाया, तेरे के तेरी माया। बोले बाबा गाँव तेरी माया, ओ बोले बाबा तेरी माया, ओ शंकर संकट हर शिव के लाशों के वासी, धोरी धारों की राजा, शंकर संकट हरना, बोले बाबा शंकर संकट हरना।
पत्तियां भाव धुरा दे नहीं कर रहा है बेलों की पत्तियां भाव धुरा भजन। अब बोलिए क्या और क्या सुनना है। हाँ जी सुंदरा नना ठीक है हम शिव भजन गाते हैं एक या दो उसके बाद फिर हम विदाई करेंगे। सुंदरा नना
आवाज खोलिए थोड़ा सा। सुंदरा नना ताली
तो आपकी ताली की आवाज आ रही ना आपकी गाने की आवाज आ रही। बोलो क्या किया जाए? जय जय राधा रमन किया जाए? नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। सत्संग का मतलब होता है साथ में चलना, साथ में गाना, संगी हो जाना। ये भजन संध्या थोड़ी है, ये गाना तो पड़ेगा आपको। या फिर जय जय राधा रमन के लिए रेडी रहे हम लोग? क्या बोल रहे बताओ? तो अभी भैया लोग नहीं गाएंगे, सिर्फ मैं गाऊंगा और आप गाएंगे, ठीक है? शिव शिव शिवा हर हर हरा, शिव 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 शिवा हर 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 हरा। शिव हर हर हर, शिव 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 हर 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 शिव 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 हर 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 शिव शिव हर 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 शिव 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 हर 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 भोलेनाथ शिव शंभो भजे, भोलेनाथ शिव शंभो भजे, भोलेनाथ शिव शंभो भजे, भोलेनाथ शिव शंभो भजे। दम 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 भजे, दम 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 भजे, दम 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 भजे, दम 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 भजे। भोलेनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे। गण 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 घंटा बजे, गण 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 घंटा बजे, भोलेनाथ शिव शंभो भजे, भोलेनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे, 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 शंभो भजे, शिव 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 शंभो भजे, भोलेनाथ शिव शंभो भजे, भोलेनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे, काशीनाथ शिव शंभो भजे। जय शिव शंकर शशांक शेखर हर गुण हर बम 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 भोला, जय शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला। भवा भयंकर गिरिजा शंकर सृष्टि विनि तक नर्तन केला, भवा भयंकर गिरिजा शंकर सृष्टि विनि तक नर्तन केला।
पुनर्तन सरा भोलेनाथ शिव शंभो भजे भोलेनाथ शिव शंभो भजे काशीनाथ शिव शंभो भजे काशीनाथ शिव शंभो भजे भोलेनाथ शिव शंभो भजे भोलेनाथ शिव शंभो भजे काशीनाथ शिव शंभो भजे काशीनाथ शिव शंभो भजे भोलेनाथ शिव शंभो आज आशीष भैया और विकास भैया के बोलने पे हम लोग यहाँ पे रुद्र पूजा में शामिल हुए और ये हमारा एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है यहाँ आके ये पूजा देखने का और हम सब यहाँ पे आके बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, पॉजिटिविटी फील हो रही है और हम अभी आज से मैं और मेरी टीम यहाँ पे जो भी कार्यक्रम होंगे उसमें शामिल होंगे और जय गुरुदेव जय गुरुदेव। मेरा नाम राकेश जयसवाल है, मैंने कोर्स किया है। मैं नागपुर का रहने वाला हूँ, मुकेश्वर परिसर से। हमको चाम अंकल करके है, चाम अंकल, उनके प्रोत्साहन से हमने कोर्स किया हुआ है। हम उनके प्रति बहुत प्रेरित करते रहते हैं बस्ती में सभी को, और सभी को कोर्स के लिए अपना विचार देते हैं। और हमारे फ्रेंड है मनोज लक्षणे करके, वो वाट के। जय गुरुदेव, मेरा नाम ऐश्वर्या गड़े है, मैं नागपुर से हूँ। मैं आर्ट ऑफ लिविंग में आके बहुत खुश हूँ और मैं आर्ट ऑफ लिविंग में मेरे जिया जी के थ्रू जुड़ी हुई हूँ। और आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा और प्रवीण सर के भजन सत्संग सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं हैप्पीनेस प्रोग्राम से बहुत हैप्पी हूँ। मेरा नाम जाजवी है और मैंने आर्ट ऑफ लिविंग में बहुत कोर्सेज, मतलब 3 बार कोर्सेज किए और उनका इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ा है। सत्संग वगैरह सुनने के लिए इनकी मतलब रुद्र पूजा थी तो आज वो सब अटेंड करने के लिए आई थी, बहुत माइंड फ्रेश हो गया। मेरा नाम अर्चना अशोक जितपाटे है और मैं आर्ट ऑफ लिविंग से 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ और ये बहुत अच्छा है। मैं श्री श्री संस्कार केंद्र की टीचर भी हूँ, छोटे बच्चों को सिखाती हूँ और मेरी इच्छा है कि सभी लोग आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ जाए और सब खुश रहे, सब हैप्पी रहे, क्योंकि इसका नाम ही हैप्पीनेस है। ठीक है, जय गुरुदेव। किशोरी टोटेवा नागपुर से बिलोंग करती हूँ और श्री श्री रविशंकर जी से भी मेरे सब फ्रेंड्स वगैरह इसमें हैं, जुड़ी हुई और सेवा भी देती रहती हूँ, सेवा भी देती रहती हूँ और कोर्सेज भी किए हैं मैंने और जितना हो सके खुद से आध्यात्म से जुड़े रहना और उसमें नॉलेज लेना, मेडिटेशन करना, इससे खुद का डेवलप होता है, खुद को डेवलप करते हैं, फैमिली को डेवलप करते हैं, बाकी फ्रेंड्स को भी डेवलप करते हैं। जिसको भी किसी को प्रॉब्लम्स हो तो कुछ बातें बताने से या शेयर करने से काफ़ी सारे जन का मतलब जैसे वो उससे माइंड फ्रेश हो जाता है, सबको बहुत फ्रेश फील करते हैं। कुछ भी मतलब जैसे आपको दिन भर का टेंशन जो रहता है वो टेंशन फ्री कर पाओ। मेरा भी वर्क है, बिजनेस करते हैं हम लोग, तो मॉर्निंग से लेकर शाम तक रात के 10-11 बजे तक पूरा लोगों से मिलना, लोगों के बीच में भी अपना बिजनेस है तो लोगों से मिलना, तो उसमें खुद को मतलब इतना खुद को खुद को इतना मतलब बिजी और टेंशन रहता है दिन भर, ऊपर ये आध्यात्म से जुड़े रहो और कुछ मतलब ऐसे बीच बीच में प्रोग्राम्स करते रहो और खुद से मतलब बहुत डेवलप खुद को भी पाते हैं और बहुत सब कुछ महसूस करते हैं। धन्यवाद।
जय गुरुदेव, मेरा नाम रंजीत गिवतुंडे है। आर्ट ऑफ लिविंग के सोशल प्रोजेक्ट्स नागपुर डिस्ट्रिक्ट के मैं देखता हूँ। सोशल प्रोजेक्ट में जैसे पानी के काम है, पर्यावरण के काम है, साथ में लगभग हर साल 50,000 पेड़ का ट्री प्लांटेशन हमारी टीम लोग यहाँ पर कर रही है। और अभी तक नागपुर ज़िले में लगभग 335 किलोमीटर का रिवर रिजोनेशन का काम हमारी टीम ने पूरा किया है। और आज के प्रोग्राम में यहाँ जो रुद्र पूजा हुई है, लगभग 2000 लोग एक साथ संकल्प में आए और बहुत ही सुंदर अनुभव यहाँ हमारा रहा है, बहुत अच्छा लगा है। और साथ में गुरु कुटीर के लिए डोनेशन फंड रेज किया जा रहा है। तो मेरा सभी से आह्वान है, सभी से अनुरोध है कि जितना भी दे सकते हैं गुरु कुटीर के लिए, सभी लोग दान देने का वो करें। जय गुरुदेव। मेरा नाम है मीरा जोशी, मैं इंजीनियर हूँ बाय प्रोफेशन और मेरा इंडस्ट्री है, मैं 25 साल से मेरी इंडस्ट्री चला रही हूँ एप्सिलॉन केबल्स के नाम से। और मैं 15 साल से आर्ट ऑफ लिविंग से, 15 नहीं अभी 20 साल हो गए आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई हूँ। और मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया जब से मैंने हैप्पीनेस प्रोग्राम किया, सुदर्शन क्रिया से मेरे को बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक लगता है। और हम चाहते हैं कि सब लोगों ने इसके साथ जुड़ना चाहिए और हैप्पीनेस प्रोग्राम करना चाहिए। और ये ध्यान में रखना चाहिए कि जितना तुम सुदर्शन क्रिया करोगे उतनी तुम्हारी एनर्जी बढ़ती है और उतनी तुम्हारी कलाएं बढ़ती है, तुम और क्षेत्र में काम कर सकते हो। तो यही मेरा कहना है। जय गुरुदेव। हैप्पीनेस कोर्स से बहुत बड़ा मुझ में एक इम्प्रूवमेंट हुआ है। अस्थमा की शिकायत थी वो 90% क्लियर हो। ये हैप्पीनेस कोर्स किया, सुदर्शन किया, सबने करना चाहिए। बहुत ही अच्छा लगता, स्माइल आती और मन भी बहुत अच्छा लगता, फ्रेश लगता, सबने करना चाहिए। आजचा प्रोग्राम हा खूपच अद्भुतपूर्ण होता आणि आर्ट ऑफ लिविंग जे काम करते आहे ते तर पूर्ण देशाला आणि पूर्ण जगामध्ये माहितीच आहे। आणि नागपूरमध्ये जे गुरु कुटीर होते आहे त्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावं आणि आपले गुरु आपल्या घरी यावेत ही सगळ्यांची इच्छा असते। आणि खूपच छान आजचा सत्संग पण खूप छान होता। धन्यवाद। धन्यवाद। जय गुरु। मैं नाम शुभम कुमार है, माय फैमिली के लेके आया हूँ। शांति के लिए पूजा हुआ है, बहुत अच्छा लगा है, मन के शांति। जय गुरु। एक्चुअली आज यहाँ पर लघु रविंद्र का पाठ श्री श्री रविशंकर जी की संस्था की ओर से किया गया। मैं आमंत्रित था लेकिन मुझे एक महत्व के काम के लिए एक जामनगांव रेलवे जाना था, वहाँ का भी कार्यक्रम था और मेरे दोस्त की डेथ भी हो गई थी आज, तो निपटा के फिर स्नान किया, फिर दो तीन कार्यक्रम निपटाया, फिर आज कार्यक्रम समाप्ति की ओर था, सभी लोग दर्शन कर रहे थे। मुझे ऐसा लगता है इतना अच्छा कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम, मैंने उसको अटेंड नहीं कर पाया, इसका दुख भी मेरे दिल में। अब निश्चित ही अगले साल जो कार्यक्रम होगा वो आयोजन में मैं शामिल रहूँगा, ये आज के दिन में होगा। आप आर्ट ऑफ लिविंग में आइए और देखिए कि आपके जीवन में कैसा बदलाव आता है। ये बदलाव आपको ऐसा है कि जो जीवन भर आपको मुस्कुराते रहने के लिए काफ़ी रहेगा। मेरा नाम राजेंद्र अमरनाथ दावे, मेरे मिसेस रश्मि राजेंद्र दावे। बहुत सुंदर कार्यक्रम हुआ, गुरुदेव की आशीर्वाद से इतना बड़ा कार्यक्रम पूरी तरह से यशस्वी, इतने लोग वृद्ध जवान बच्चे सभी लोग श्रद्धा से इतनी शांतिपूर्ण रुद्र पूजा करना, ये बहुत बड़ा एक चैलेंज रहता है कभी कभी, और वो चैलेंज पूरा होते हुए दिखता है। बहुत आनंद आया हुआ हमें और इसके लिए गुरुदेव के बहुत बहुत मन से धन्यवाद और सभी को गुरुदेव का आशीर्वाद। इतने लोगों को प्राप्त हुआ ये भी एक बहुत बड़ी बात है। आज रुद्र पूजा में आके बहुत अच्छा लगा, एकदम गुरुजी का ब्लेसिंग्स नागपुर नागपुर को प्राप्त हुआ। महान रुद्र पूजा में बहुत ही अच्छा अमेजिंग एक्सपीरियंस रहा, उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते, इतना अच्छा एक्सपीरियंस है। संकल्प था 2000 लोगों का लेके गुरु रुद्र पूजा करना, वो आज पूरा पूजा पूरा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। इतनी अच्छी आज यहाँ पे रुद्र पूजा हुई है। इस रुद्र पूजा हॉल में SSRDP के बारे में भी बताया गया, उसके बारे में मैं अधिक थोड़ा बात करूंगा। आज गुरुदेव की वजह से जो विजन गुरुदेव ने
स्टूडेंटों को के लिए या फिर अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए हमारे देश में रखा है कि सबको एक रोजगार, योग के साथ साथ उद्योग भी मिलना चाहिए। तो SSRDP के माध्यम नागपुर की ओर से आज हमारे 300 स्टूडेंट कम्प्लीटली सक्सेसफुली सर्टिफाइड हमारे यहाँ से हो चुके हैं, जिसमें से 170 स्टूडेंट सोलर इलेक्ट्रिकल में सर्टिफाइड हुए और 120 स्टूडेंट खाली वुमन एम्पावरमेंट के लिए। हम लोगों ने लड़कियों को बॉश का ब्रिज प्रोग्राम पढ़ाया है, जिसमें से 120 लड़कियां आज हमारे यहाँ से सर्टिफाइड होके कहीं ना कहीं जॉब कर रही है और उनको 12,000 से लेकर 15,000 तक सैलरी भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज एक अच्छा हमारे यहाँ पे नागपुर में एक सेंटर है जो सारे यूथ यहाँ के स्किल्ड होके अपना कहीं ना कहीं जॉब अचीव कर सकते हैं। तो सबके लिए मैं यही चाहूँगा कि नागपुर में जो भी ये वीडियो देखे वो हमारे सेंटर में आके विजिट करे और अपने स्टूडेंट या फिर अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट दिलाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं आर्ट ऑफ लिविंग के आज इस प्रोग्राम में आकर जो अनुभव किया, जो ब्लिस, जो डिवाइन अनुभूति हुई है वो बहुत ही खास है। और जो गुरुदेव का संकल्प है कि हमें सनातन धर्म की स्थापना करनी है, उसके लिए आर्ट ऑफ लिविंग के सभी सदस्य प्रयत्नशील है। तो जगह जगह पे गुरु पूजा घर घर में करवाई जाती है, तो जिसे भी गुरु पूजा करवानी हो वो आर्ट ऑफ लिविंग के लोगों को संपर्क कर सकते हैं। वैसे ही सारी जगहों पे महीने भर, पूरे श्रावण महीने अलग अलग जगहों पे सेंटर्स पे रुद्र पूजा होती है। तो आप सभी से हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है कि सभी लोग रुद्र पूजा के सहभागी बनें और जहाँ छोटे छोटे स्थानों पे रुद्र पूजा का आयोजन करवाएं। जय गुरुदेव।